हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 5 जुलाई और दिन है आज मंगलवार। तो जो मैंने कल व्लॉग डाला था ना, ये उसी के आगे का व्लॉग है। तो ये देखिए, मैं कच्चे केले ले आई हूँ कोफ्ते बनाने के लिए। तो मैं इसको धुल के बॉयल होने के लिए रख दूँगी कुकर में और इसमें 3 सीटियाँ लगा लूँगी। और एक साइड मैं अपने लिए चाय बना ले रही हूँ। अभी घर पर और कोई नहीं है, दोनों बच्चे अपनी दादी के साथ बगल में नानी के घर गए हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक ही कप चाय बना रही हूँ अपने लिए। तो जब तक चाय बनेगी, साथ ही साथ में ये बर्तन धुले रखे हैं, इनको भी मैं अरेंज कर दूँगी। हम लेडीज़ों का काम ही यही होता है कि जहाँ रहो वहाँ के सारे काम निपटाते चलो। अच्छा, चाय में मैंने अदरक नहीं डाली थी, तो वो भी मैं ग्रेटर से ग्रेट करके डाल दे रही हूँ। और अदरक ना मैंने थोड़ी ज़्यादा ग्रेट कर ली है कोफ्ते में डालने के लिए भी। तो बर्तन सारे अरेंज कर दिए हैं मैंने। और ये देखिए, एक केला ये मैंने बचा लिया था, इसका मैं बच्चों के लिए चिप्स बना दूंगी। मेरे दोनों बच्चों को ना बनाना चिप्स बहुत पसंद है। तो ये देखिए, मैंने केले को छील लिया है। अब इसको पतले पतले स्लाइस में काट लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक और पानी डालकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इधर मेरी चाय भी तैयार हो गई है और कुकर में 3 सीटियाँ भी आ गई हैं, तो मैंने गैस बंद कर दिया है। तो जब तक चाय ठंडी हो रही है, तब तक मैं कोफ्ते बनाने के लिए मसाले का इंतज़ाम भी कर ले रही हूँ। तो ये प्याज बड़े बड़े थे, इसलिए मैंने 1.5 प्याज ही लिया है, आधा प्याज बचा दिया है, ये सैलेड में काम आ जाएगा। 1 बड़ा टमाटर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4-5 मिर्च और 6-7 कलियाँ लहसुन की ली हैं। इसको धुल कर रख देंगे। और जो ये मैंने केले के चिप्स काट कर रखे हैं ना, इसको भी छान कर अलग रख देंगे। चिप्स को ना मैं एक कपड़े पे डाल दे रही हूँ थोड़ा सूखने के लिए, जब बच्चे आ जाएंगे तभी मैं बनाऊंगी। और इन चिप्स को ना अगर आप तुरंत बनाना चाहो तो ये तुरंत भी बना सकते हो, इसको मतलब सुखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बहुत अच्छे चिप्स ऐसे ही बन जाते हैं। अभी मेरे पास टाइम है इसलिए मैं इनको एक कपड़े पे रख दे रही हूँ, वरना अगर बच्चे घर पे होते तो मैं इसको तुरंत ही बना लेती हूँ। तो ये देखिए, केले उबल गए थे, इनको मैंने छील कर रख दिया है और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इसको मैश कर लेंगे। और इधर मैंने दाल और चावल भी रख दिया है पकने के लिए, और इन बनाना चिप्स को भी मैं ढक कर रख दे रही हूँ, क्योंकि अब पता नहीं कितनी देर में बच्चे आएंगे, तब तक ये ऐसे ही खुले रहेंगे, इसलिए मैं इनको ढक कर रख दे रही हूँ अलग। और मैं अब इधर मसाला भी पीस ले रही हूँ। मिक्सी के जार में मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च जो धुलकर रखा था ना, वो सब डाल दिया है। अब इसमें मैंने 1 बड़ी इलायची, 8-10 काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा डालकर पीस लेंगे। मसाला पीसने के बाद मैं आटा भी गूंथ कर रख दूंगी। इधर केले ठंडे हो गए हैं तो इनको मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हल्दी, कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, एकदम जरा सी तीखी वाली मिर्च, हींग, स्वाद अनुसार नमक,
और जो अदरक ग्रेट करके रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम ना बेसन थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे जितना केलों में अब्सॉर्ब हो जाए। और मैंने तीखी वाली मिर्च ना बिल्कुल ज़रा सी डाली है, क्योंकि मेरे बच्चे भी खाएंगे कोफ्ते और वो ज़्यादा तीखा खा नहीं पाते, इसलिए मैंने थोड़ी जो है तीखी वाली मिर्च डाली है मैंने। अच्छा, इसमें मैंने जो बेसन डाला है वो सिर्फ 2 चम्मच बेसन ही लगा है, इसमें ज़्यादा नहीं लगा है, इसलिए आप एक साथ बेसन न डालिए, थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए जितना उसमें केलों में एब्जॉर्ब कर लें। बच्चे आ गए हैं तो मैं उनके लिए पहले चिप्स बना दूंगी, फिर मैं कोफ्ते बनाऊंगी। तो ये देखिए तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मैंने चिप्स ऐड कर दिए हैं और चिप्स को क्रिस्प होने तक पका लेंगे। देखिए चिप्स गोल्डन हो गए हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्प भी हो गए हैं, और पता है इनको फ्राई करने में ना सिर्फ मुश्किल से 2 मिनट ही लगे होंगे। तो अब इन चिप्स को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, अब मैं इसमें कोफ्ते फ्राई कर लूँगी। और कोफ्ते देखिए मैंने गोल शेप के बनाए हैं, आप किसी भी शेप का बना सकते हैं, गोल या अंडाकार शेप, जो भी आपको पसंद हो। तो ये देखिए कोफ्ते हो गए हैं, अब इनको भी निकाल लेंगे। कढ़ाई में ऑयल थोड़ा ज़्यादा था तो मैं एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दे रही हूँ। तो तेल तो गरम है ही, अब इसमें मैं डाल दूंगी ये तेज पत्ता 2, और बाकी इसमें खड़े मसाले हैं, सूखी लाल मिर्च, दालचीनी, जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और 8-10 काली मिर्च है। कढ़ाई थोड़ा गर्म हो गई थी ज़्यादा, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया है। मसाले खड़े वाले सारे भुन गए हैं, तो जो मैंने टमाटर प्याज का मसाला पीसा था उसको डाल देंगे। अब इस मसाले को ना तेल छोड़ने तक पकाएंगे। तो ये देखिए तेल निकलने लगा है, अब इसमें ये पीसे मसाले डाल देंगे। पीसे मसालों में मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सब्जी मसाला डाला है। अब इस मसालों के साथ इसको अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए कोफ्ते कितने सॉफ्ट बने हैं ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं ये। जब तक उधर मसाला भुन रहा है तब तक इधर कोल्ड ड्रिंक और चिप्स की पार्टी हो जाए। और इतनी गर्मी में ना बस यही मन होता है कि कुछ ना कुछ ठंडा मिलता रहे पीने के लिए। और जो ये बनाना चिप्स बनाया है ना मैंने, तो इसमें थोड़ा सा बस चाट मसाला डाल दिया है और कुछ नहीं डाला है, और दोनों बच्चों के फेवरेट हैं ये बनाना चिप्स। तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल देंगे, और मैंने नमक अभी नहीं डाला था तो वो भी डाल दे रही हूँ। और अब ये कोफ्ते डाल देंगे और बॉयल आने तक इसको पका लेंगे। इसमें बॉयल आ गया है और सब्जी तैयार हो गई है। इधर मैं रोटियां भी सेक ले रही हूँ।
और ये देखिए रोटियां सिक गई हैं, तो मैंने इसी तवे पे ना कस्तूरी मेथी डाल दिया है रोस्ट करने के लिए। और कस्तूरी मेथी अच्छे से रोस्ट हो गई है, तो इसको हाथों से मसल देंगे और सब्जी में डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है और इसमें हरा धनिया डालकर मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए कोफ्ते तैयार हो गए हैं और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।